हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो क्या आपका भी फ़ोन हैंग करता है? क्या आपके फ़ोन में काफ़ी ऐसे मोबाइल डाटा को ओपन करने के बाद इतने सारे मैसेजेस आने लगते हैं जिसके बाद आप अपने फ़ोन को टच करते हो तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती है? आप अपने फ़ोन के जो भी स्क्रॉल डाउन करते हो, जो ऊपर वाला होता है स्क्रॉल डाउन करते हो तो स्क्रॉल डाउन नहीं हो पाता है। कहीं कोई ऐप्स को ओपन करना चाहते हो, ऐप भी ओपन नहीं होता। तो क्या ये सब प्रॉब्लम भी आपके साथ होता है? तो इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं आज। एंड आप लोग इतना इस ट्रिक से जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और हैंग फ़ोन जो हैंग करता है वो अब हैंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले उन एप्लीकेशंस को यहाँ पर जो ट्रिक देने वाला हूँ, उन एप्लीकेशन को याद कर लो मन में यार, कि जो एप्लीकेशन से जो जितने भी आपको ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो आता है वो क्रोम ब्राउज़र से आता है। और जब भी आप नए फ़ोन लेते हो तो क्रोम ब्राउज़र ही ऐसा एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस देता रहता है। तो नया जब फ़ोन लेते हो तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, या फिर आपके फ़ोन अगर हैंग कर रहा है तो सबसे पहले देखो काम क्या करना है। तो देखो, जब भी सेटिंग पर जाओगे तो आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का ऑप्शन मिलेगा, या फिर मैनेज नोटिफिकेशन करके ऑप्शन मिलेगा। सबके फ़ोन में ये ऑप्शन होता है, तो इस ऑप्शन को जो है क्लिक करना है आप लोगों को। सेटिंग में जाने के बाद ये ऑप्शन आपको सबके फ़ोन में मिलेगा, तो इसमें क्लिक करोगे तो आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशंस करके एक ऑप्शन, तो उसमें आपको क्लिक करना है। देखो ऊपर में, सबसे ऊपर में ही ऑप्शन होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है वीडियो को, और एक वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है, तभी मैं ऐसे वीडियोस दे पाऊंगा। तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और जितने भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र, जो आप अगर नया फ़ोन लिए हो तो इस क्रोम ब्राउज़र को जो है सबसे पहले बंद करो, ठीक है, क्योंकि मैंने ये काम सबसे पहले किया था। तो सबसे पहला ट्रिक जो यही करो, ठीक है, सबसे पहले इसको बंद करो। अगर आपका इनेबल है तो डिसेबल कर दो। देखो क्रोम ब्राउज़र को फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये अगर इस तरह कराता तो आपको इसको एक बार क्लिक करके डिसेबल कर देना है, वाइट कर देना है। अब देखो यार, सबसे पहले यूट्यूब में आते हैं। अब देखो यूट्यूब से भी काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आते रहता है और फेसबुक से भी, तो फेसबुक का भी नोटिफिकेशन आप बंद कर दोगे तो यहाँ से जो है आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब उसमें। तो अगर नहीं करना चाहते हो, अगर ज़्यादा मैसेज फेसबुक से नहीं आता तो कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यूट्यूब में जाना है, ठीक है। यूट्यूब में जाने के बाद इसका भी नोटिफिकेशन बंद कर देना, जिससे यूट्यूब से जो काफ़ी सारे अगर मैसेजेस आते रहते हैं नोटिफिकेशंस, तो वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इतना आप सोचिएगा कि ये सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे तो काफ़ी सारे जो मैंने सब्सक्राइब कर रखे उन लोगों के वीडियोज़ मेरे पास नहीं पहुँच पाएगा, तो वो सारे पहुँचेंगे, मगर आपको सिर्फ यहाँ पर आपके जो लॉक स्क्रीन पर नहीं दिखेगा स्क्रीन पर, मगर आप जब यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करोगे, इनबॉक्स में जाओगे तो सारा कुछ वहाँ पर डिटेल दिख जाएगा, ठीक है, वहाँ पर सारा कुछ वीडियो आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से जो है जितने भी एप्लीकेशन से ज़्यादा मैसेजेस आते हैं उनको यहाँ पर डिसेबल कर दो, ठीक है, नोटिफिकेशन बंद कर दो। और देखो ये ट्रिक जो है मैंने अभी अप्लाई कर दिया अपने फ़ोन पे भी, क्योंकि मेरे भी ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर थे जैसे टेलीग्राम, यूट्यूब, तो ये सब जो है मैंने डिसेबल कर रखा है। टेलीग्राम से काफ़ी सारे मेरे से मैसेज आ रहे थे एंड व्हाट्सएप से भी, ठीक है, काफ़ी सारे बंदोस के, ठीक है, तो इस कारण से मैंने इसे अभी बंद कर रखा है, तो मुझे मैसेज नहीं मिल पाता। लेकिन मैं जब व्हाट्सएप के अंदर जाता हूँ तो मैं सारा कुछ देख लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो कर सकते हो, तो एक वीडियो को लाइक कर देना।